200 रुपये का दही भल्ला, इसको दही ओके वड़ा भी बोलते हैं, और ये हमारे हल्दीराम का 100 रुपये का दही वड़ा, और ये हमारे 45 रुपीज का लोकल रेस्टोरेंट से दही वड़ा। ये देखते हैं कि कौन सा सही रहता है और सच्ची में 200 वाले में कैसा रहता है और हमारा रेगुलर हल्दीराम कैसा रहता है। तो सबसे पहले हमारा ये 45 रुपीज वाला ही खोलते हैं। आकांक्षा, इसका पूरा परत तो पूरा गीला गीला हो गया है। चलो दिखने को तो अच्छा, वैसे इसकी रेटिंग अच्छी थी आकांक्षा, तो इसको रखते साइड में। तो अब देखते हैं हल्दीराम का कि हल्दीराम 100 रुपए का दही वड़ा। हाँ, तो इस तरीके से इन्होंने हमेशा की तरह दो तीन टिश्यू पेपर और एक स्पून, और ये हमारा पैकेजिंग। तो इस तरीके से कुछ ये हल्दीराम का है दही वाला, दही वल्ला जो भी बोलेंगे। और ये देखो इसमें बहुत कुछ मसाले वसाले है शायद से, इसमें ज्यादा मसाले नहीं है। और तो अब बारी है हमारे 200 रुपए के दही वड़ा से, जो कि हमने यहाँ से लाया है। और चलो देखते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा 200 रुपए का दही वड़ा। पैकेजिंग देखो कितनी सही पैकेजिंग। हाँ, ये हमारा दही वड़ा लग रहा है यार 200 रुपए जैसा, है ना। पैकेजिंग बहुत सही है, पहली बार ऐसा लग रहा है कुछ 200 रुपए का आया है, तगड़ा। नहीं तो इस तरीके से, वाओ, एक नहीं दो नहीं सात, सात 200 रुपए में मेरे को दो रहेंगे, मतलब ये तो सबसे सस्ते पड़े ऐसे देखे तो। सही बोले। तो चलिए गाइस अभी टेस्ट करते हैं और देखते हैं सच्ची में। तो सबसे पहले 45 वाला। तो ये हमारे 45 रुपीज वाला दही वाला। ओके, तो इसे टेस्ट करके दिखाओ। ये ऐसा डल कलर क्यों दिख रहा है इसका? अरे उसमें बहुत सारे मसाले डाले हैं ना इसलिए। कैसा लगा आकांक्षा टेस्ट? फ्लेवर अच्छा आ रहा है, थोड़ा तीखा है। वो एकदम शादी में जैसा हल्का फुल्का रहता है ना, बहुत सारा ऊपर से अपने हिसाब से डालो तीखा वीखा, बस वैसे ही लग रहा है। फिर अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है। तो अभी बारी है हल्दीराम की। देखने में इसका रूप रंग अच्छा है, अभी टेस्ट की बारी। सो मेरे मुंह में पानी आ जाता है यार हमेशा। क्या हुआ, शकल सूरत बिगड़ गई? जीरा फ्लेवर बहुत ज्यादा आ रहा है। क्या बात कर रहे हो, तो खाके देखो प्रश्न पहले आप। ओके ओके लगा, मतलब जो दही भल्ला है दही वड़ा रहता है उसको खाने के बाद जो वाव फीलिंग आती है वैसे फीलिंग आई नहीं। मीठा मीठा है ना दही, बहुत मीठा, मतलब एकदम मीठा है, थोड़ा खट्टा भी रहता है, खट्टापन रहता है थोड़ा सा, इस वजह से खट्टापन है। अब है बारी सबसे महंगा, मतलब सबसे सस्ते की। इसका टेस्ट तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, और इसका कलर तो पूरा इसका जैसे रसमलाई, वही मैं बोलने वाला था, रसमलाई रसमलाई जैसा करके। तो कैसा लग रहा है आकांक्षा? सही में दही वड़ा है। हाँ, दही वड़ा ही बुलाए थे कि बिना शुगर की रसमलाई की। कलर से रसमलाई लग रही है, कलर से रसमलाई लग रही है, और बिल्कुल भी कोई भी एंगल से नहीं लग रही है। दही वड़ा खा रहे हैं अपन, दही वड़े का टेस्ट कैसा रहता है और कैसा लग रहा है, मतलब इस बार तो तीनों ही एकदम वीक है वो तो तीनों में। अरे वो पता है क्या, दही वड़ा मतलब वो दही और वड़ा ज्यादा देर तक एक साथ रहा ना, तो वैसे ही उसका टेस्ट ये चला जाता है। इसलिए देखना शादी में भी दही अलग बड़ा अलग रहता है, या फिर वो हल्दीराम में शादी से ज्यादा कहीं एक्सपीरियंस हो भी नहीं सकता। हाँ वही वही, लेकिन हल्दीराम में भी दोनों अलग अलग ही रखे रहते हैं ना। हाँ, लेकिन मेरे हिसाब से असली दही वड़े का जो टेस्ट है वो इसमें लगा मुझे 45 रुपीज में, बिकॉज उसमें सारे फ्लेवर्स भी डले हुए हैं, सेव भी डला हुआ है, मतलब जो एक्चुअल दही वड़ा रहता है, दही वड़े में जो स्पाइसेस रहते हैं वो सारी इसमें, और अपना बस मेरे को जीरे का टेस्ट आया हल्दीराम के, ओके, और ये तो कुछ अलग ही है, अलग ही है। तो सही है, तो मेरे हिसाब से विनर ये है।